पूर्व के तमाम सीमा विवादों के मद्देनजर लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई। यह झड़प 15-16 जून की रात से प्रारंभ है। इस झड़प के दौरान भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। 20 जवानों के शहीद होने की पुष्टि मंगलवार को देर रात भारतीय सेना द्वारा ही किया गया। वहीं दूसरी तरफ एक इंटरसेप्ट के हवाले से दावा किया जा रहा है कि चीन के भी 43 जवान या तो घायल हैं या तो भारतीय जवानों द्वारा मार दिए गए। इस घटना की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत और चीन के बीच आखिरी बार सैन्य झड़प सितंबर 1967 में नाथुला सेक्टर में हुआ था, जबकि हमारे जवानों ने चीन के 300 सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया था। भारत चीन में हिंसक झड़प के बाद चीनी मीडिया लगातार भारत को ही दोषी ठहराने में लगी है। चीन के विदेश मंत्रालय द्वारा कहा गया कि भारतीय सेना ने LAC को पार किया है और चीनी सैनिकों पर हमला बोला है। हालांकि न तो चीनी विदेश मंत्रालय और न ही चीनी मीडिया ने अब तक अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा साफ किया है और न ही भारतीय सेना के बॉर्डर पार करने का कोई सबूत मुहैया कराया है। अभी भी स्थिति में बड़ा बदलाव नहीं आया है। दोनों देशों के कोर कमांडर स्तर पर हुई वार्ता के बाद यह विश्वास दिलाया गया था कि अब टकराव के स्थल से सैनिक धीरे धीरे पीछे हटेंगे, लेकिन चीन के तरफ से इसका उलट हो रहा है। इस पूरे विवाद को समझने के लिए सीमा को तीन भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला भाग पश्चिमी सेक्टर, दूसरा भाग केंद्रीय सेक्टर और तीसरा भाग पूर्वी सेक्टर। हालिया विवाद मुख्यतः पश्चिमी सेक्टर के लद्दाख क्षेत्र से है। दोनों के बीच मौजूदा संघर्ष केंद्र गलवान घाटी, पेंगोंगत्से झील और हास्प्रिंग है। चीन इस क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण करना चाहता है और भारत ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहता है। यह घटना तब घटित हुई है जब दोनों देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं। निश्चित रूप से दोनों युद्ध नहीं चाहेंगे। चीन भी यह जानता है कि भारत की स्थिति 1962 जैसी नहीं रह गई है। इसके बावजूद चीन अपनी हरकतों से भारत पर सामरिक स्तर पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि कोरोना मामले पर विश्व भर में अलग पड़ा चीन दुनिया का ध्यान कोरोना से भटका सके। सवाल यह है कि भारत को इस पर क्या करना चाहिए। जहां चीन यही स्थिति कायम रखना चाहेगा, वहीं भारत पूर्व स्थिति में जाना चाहेगा। उम्मीद है दोनों देश कूटनीतिक तरीके से इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करेंगे।